हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भिंडी की मज़ेदार सब्ज़ी बनाएंगे जो बहुत ही आसान है। ये थोड़ी लाल और हरी भिंडी है। इस भिंडी का स्वाद हरी भिंडी जैसा ही होता है, बस दिखने में थोड़ी अलग है। सभी भिंडी को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। हमें इसके ऐसे छोटे छोटे पीस ही करने हैं। एक पैन में मैंने 2 टीस्पून मूंगफली का ऑयल लिया है। तेल गर्म हो गया है। आधा चम्मच मैंने इसमें राई, आधा चम्मच जीरा डाला है। अब ये अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें सभी काटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक हम ऐसे ही तेल में उसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से पक न जाए। भिंडी अब अच्छे से पक गई है। हमें इसे चलाते रहना है। देखिए अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से पक न जाए। अब हम इसे 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे। हमने इसे ढक दिया है। 3 मिनट के बाद टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं और मसाला भी सब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।